One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नमस्कार सर, मैं हूँ attachok.com से रोहित शर्मा। सर आपसे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ कि आप सांसद गौतम बुद्ध नगर के बनने के बाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से थे? देखिए, जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जी जी, तो कि महत्वपूर्ण किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर, किसान आंदोलन बराबर हो रहा था। जी सर, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, जमीन आबादियों का निस्तारण नहीं मिल पा रहा था। जी सर, हम लोगों ने मिलकर हमारी बहन मायती जी के निर्देश पर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें उनको निस्तारण करने का काम किया। आबादी के निस्तारण के लिए ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने पॉलिसी बनवाने का काम किया, जैसे किसानों को बहुत मुआवजा बढ़वाने का काम हमारी सरकार ने किया, जिससे किसानों की मुख्यतः समस्याएं को हल करने का हम लोगों ने काम किया। उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का बजट जो सीसी रोड सारे गांवों को हमने तय किया था कि नोएडा ग्रेटर नोएडा का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें सीसी रोड ना हो, बिजली ना हो, पानी की सुविधा ना हो, वो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों ने देने का काम किया। और उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मुख्य विकास में सबसे बड़ा योगदान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होता है। जी जी, सिटी बस हमने वादा किया था कि सिटी बस नोएडा ग्रेटर नोएडा में नहीं थी, वो चलवाने का हम लोगों ने काम किया। जी सर, हमने वादा किया था कि मेट्रो इस देश में इस सबसे पहले अगर दिल्ली से निकल के कहीं बाहर जाएगी NCR में तो वो हमारे क्षेत्र में आनी चाहिए। इसके लिए एमएनजी ने खासतौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा मायावती जी का कि उन्होंने प्रयास किया इसके लिए। और NCR में हरियाणा हमारे बीच में होती कि पहले कहाँ है, हम लोग नोएडा में सबसे पहले मेट्रो लेकर आए। ग्रेटर नोएडा तक जो प्रस्तावित थी हमारी मेट्रो उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था और वो बहुत जल्द बन रहा था। अनफॉर्चुनेटली नहीं, अब ये सरकार ने वो काम सारे रोक दिए हैं। हमारा तो योजना थी कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ जेवर तक ये मेट्रो पहुँचे, ये हमारा प्रयास था। जी, आपका सपना था कि मेट्रो जेवर के जाने तक जाने का, क्या ये सपना पूरा हो पाया? ये हम लोग प्रयास करते हैं। जी, नियत का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सी चीज़ें हैं। जी सर, लेकिन हमारा प्रयास है कि बोराकी में रेलवे स्टेशन बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बोराकी में इस जिले में कहीं भी कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जो हमारी सरकार में पोस्ट था, बहन जी की सरकार में, वो बने, मेट्रो जेवर तक जाए, वहाँ हवाई अड्डा बने, ये हमारा सपना है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिस फोरम पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो हम उसके पीछे निपटेंगे। और निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि एयरपोर्ट और मेट्रो वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद सर, आपने attachok.com को अपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।